साथियों नमस्कार, आपको बता दें कि आज हम दौसा पहुँचे हैं। दौसा में देखिए बरसात कितना, पानी कितना, अभी अभी बरसात हुई है और बरसात के बाद एक बार फिर जवाबदेही जो रैली है वो शुरू हो रही है। साथी सब तैयार है और पुलिस साहब प्रशासन भी हम मौजूद है और थोड़ी सी बरसात थमी है तो अब हम भी आ जाते हैं क्योंकि मौसम बहुत ही ठंडा और अच्छा हो गया। अभी उमस ज़्यादा हो रही थी, गर्मी काफ़ी हो रही थी लेकिन अब नहीं है। देखिए रियाना जी अपने हाथ में तख्ती लेके सबसे पहले आ गए और जवाबदेही यात्रा में कूद पड़े हैं। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, क्या बात है, पानी आ रहा है। वो पानी मोबाइल पे गिर सकता है इसलिए हाथ लगाना भी ज़रूरी है। तो देखिए बरसात लगातार चल रही है और जवाबदेही यात्रा फिर एक बार बरसात के बाद फिर शुरू होने वाली है। तो देखिए तमाम साथी हैं, सभी धीरे 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 वापस गाड़ी के पास आ रहे हैं। माइक कुछ ही देर में शुरू होगा, काफ़ी देर में वापस शुरू होगा और माइक से अनाउंस हो गया है और ऊपर से लगातार पानी बरस रहा है। पेड़ है, पीपल का है। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं सीढ़ी के पीछे रैली की लगातार तैयारी चल रही है और कुछ ही देर में गानों के साथ से रैली होगी, साथी जो है आ रहे हैं। तो जवाबदेही कानून की मांग को लेकर लगातार ये रैली निकल रही है। अधिकारी जो है काम नहीं करते, दफ्तर में लोगों को अटकाते रहते हैं, उनके मामले जो है वो अटका देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको दफ्तर में जाना पड़ता है और वहाँ भी उनका काम ही होता है। इतनी मोटी तनख्वाह लेने के बाद भी अगर ये व्यक्ति काम नहीं करते तो क्या काम का। जवाबदेही कानून की मांग कर रहे तो जवाबदेही कानून पास। पास करो। तो आप देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से राजस्थानी पोशाक में बकेट के माध्यम से जो है पूरा यहाँ पे इस पूरा दौसे में जो है प्रचार नगर में एक संदेश दिया जा रहा है कि जवाबदेही कानून पास हर हाल में होना चाहिए। चलिए रैली चालू हो गई है, गाड़ी निकल चुकी है और अब आपको फिर एक बार दृश्य बरसात फिर झिरमिल प्रचार चल रहे। हाँ, तो आप देखिए फिर एक बार हुई है और बरसात रिमझिम फिर आना शुरू हुई है। साथियों बने रहे चैनल के साथ, देखते रहे खूबसूरत फैक्ट्स और आज दौसा पहुंचे हैं और दौसा में आज ये रैली जो है निकाली जा रही है। जवाबदेही कानून का आंदोलन है, ये लगातार जारी है। जब तक कानून पास नहीं होता तब तक हमारे साथी लगे रहेंगे, सारे संगठन के लोग लगे रहेंगे। जिंदाबाद साथियों।